मुरादाबाजार जिले में काजल किन्नर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसके अनुसार रायपुर के जोरा में स्थित किन्नर मठ प्रमुख बनने की लालच में आरोपी किन्नर तपस्या ने काजल की हत्या करवा दी। दरअसल मुंबई के किन्नर तपस्या को रायपुर जोरा किन्नर समाज की मठ प्रमुख बनने का लालच था, लेकिन मृतिका किन्नर काजल सीनियर थी, जिसके तपस्या ने 12 लाख रुपये की सुपारी देकर बलौदाबाजार में काजल की हत्या करवा दी। हत्यारों ने मौके पर काजल किन्नर की हत्या कर शव को पत्थर खदान में फेंक दिया और रायपुर वापस चले गए। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मूलतः जोरा रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ थी, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेकर वहाँ विवाद था। एक खुद बनना चाहता था और काजल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लालायक थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया। प्लानिंग के तहत आरोपी पक्ष ने इसको एक सुपारी दी थी, पहले 6 लाख की एक सुपारी एक व्यक्ति को दी थी, वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से जेल में चला गया, इसको उनका पैसा डूब गया। फिर 12 लाख उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो उनका ड्राइवर था उसको दिया था। ड्राइवर ने दो और लड़कों को अरेंज किया था।